आप देख रहे हैं तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। मध्य प्रदेश में आज बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को देखते हुए एनएसयूआई संगठन रीवा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कॉलेज चौराहे में किया गया। इस दौरान पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे भारत में कोरोना जैसी महाबीमारी से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका हम लोग पुरजोर से विरोध करते हैं और आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जता रहे हैं। नरेंद्र मोदी हम केंद्र सरकार से मांग करते ही जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पिछले 15 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर इस कोरोना महामारी जो हमारा देश पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आज हमें पिछले 15 दिन से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट लगातार गिर रहा है। इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार जो जनहितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन आज इस दौर में आर्थिक की मंदी दे रही है, आर्थिक बोझ दे रही है डीजल पेट्रोल को लेकर। हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इस कोरोना महामारी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करिए और इस आर्थिक दौर में डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। यही यूपीए गवर्नमेंट में जो डीजल पेट्रोल का दाम 50 से 60 रुपये हुआ करता था, आज 90 रुपये के पार पहुंच गया है। कौन सी संस्था जी? कौन सी संस्था के द्वारा ये एनएसयूआई ने आज पुतला दहन किया है और अगर जल्द से जल्द रेट डाउन नहीं होता है, रेट कम नहीं होता है, तो आगे भी इस तरह से धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम करते रहेंगे।